हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। निधि के ब्लॉग्स 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए, ये मिट्टू कितना खुश हो रहा है नीम को देख के आज। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ वो यही लाई हूँ कि ये जो नीम के पत्ते हैं, नीम के जो छोटे छोटे आजकल फूल आ रहे हैं, मिट्टू हमें बोलने दो, चुप रहो जरा, और ये बहुत मन से खाते हैं। और आप भी अपने पैरेट को ये नीम के जो आजकल फ्रेश छोटे छोटे आप देख रहे होगे हर नीम के पेड़ पे, क्योंकि निबोरी आती हैं, वो आती हैं जून के मंथ में, मई जून में आती है, इनका जो फल आता है। और नीम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके आसपास ना हो, नीम का पेड़ हर जगह होता है और बहुत आसानी से हमें मिल जाता है। और ये मैं मीठे नीम की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं कड़वा जो नीम होता है ना, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो आजकल क्या है, इसके फूल आ रहे हैं और वो इतना फ़ायदा करते हैं कि आप शायद, आपने पहले ये चीज़ पता भी नहीं होगा, नीम के जो फूल होते हैं ना, बिट्टू शांत रहो बेटा, मैं बोल रही हूँ, वो आप सुबह सुबह अपने पैरेट को दीजिए, आप कुछ ही दिनों में ये पाएंगे कि आपका पैरेट बहुत हेल्दी हो गया है, उसका खाना खाने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो गई है। और क्योंकि हर बीमारी पेट से शुरू होती है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपके पैरेट का पेट एकदम साफ रहेगा, उसको भूख अच्छी लगेगी, उसके जो पंख हैं वो बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपका पैरेट एकदम हेल्दी रहेगा। और अगर आपके पास छोटा पैरेट है तो आप प्लीज़ उनके केज में भी, आज के जो ये इतनी गर्मी चल रही है उस टाइम में, आप उनकी केज में बिछा दीजिए। और अगर आपके पास एक साल का या उससे ज़्यादा बड़ा पैरेट है तो आप उसको ये सुबह जो फूल होते हैं नीम के, वो उस सहित तोड़ के लाइए और देखिए, आप बहुत प्यार से, ये इतना मस्त हो रहा है सुबह से नीम देख के। और मैंने इसकी केज में भी नीम बिछा रखा है और ये डंडियाँ भी चब रहा है, आप देखो इसकी खुशी, इसकी बातें बता रही हैं कि ये बहुत खुश है। क्योंकि पहले के लोग कहते थे हमेशा कि तोता हमेशा नीम के पेड़ पे पिंजरे अपना जो घोंसला होता है वो बनाता है, और नीम के पेड़ के जो तोते होते हैं वो बड़े शार्प माइंडेड होते हैं। वैसे तो तोता बहुत शार्प माइंडेड होता है, इसीलिए वो हम लोगों की आवाज़ को रिपीट कर लेता है, वरना तो और पक्षी इतना नहीं कर पाते हैं। और जो इनकी वो होती है ब्रीड्स, उनको भी नीम दिया जाता है, तो नीम एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटीबायोटिक भी है इन लोगों के लिए, तो जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं वो इस चीज़ से दूर हो जाती है। तो मैं एक इसलिए मैं आप लोगों को यही सुझाव दूंगी कि आप नीम की डंडी, नीम की पत्तियां, नीम के फूल इनके आगे रखिए, ये भले ही थोड़ा सा खाएं लेकिन ज़रूर खाएंगे। और मिट्टू तो देखो आप बहुत खुश हो रहे हैं, ये राम अपना नीम चबा के और कितना बोल रहा है, आप सुन सकते हो, बहुत ज़्यादा बातें करने लगा है अब, जबकि ये अभी एक ही साल का है। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हाँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई